हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज बनाएंगे हरे धनिए की चटनी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। जिसे बनाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये मैंने धनिया लिया है, आधी कप धनिया लिया है, धो के साफ कर रखा है, और आधा कप पुदीना लिया हुआ है, और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसे काट के रखा हुआ है, एक बड़ी चम्मच मूंगफली के दाने रखे हैं, एक टमाटर काट के रखा हुआ है मीडियम साइज का, ये अदरक है 1 इंच करीब, 5-6 लहसुन की कलियां हैं, 2-3 मिर्चे हैं हरी मिर्च, एक नींबू रखा हुआ है। हरी चटनी में थोड़े मसाले भी डालेंगे जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये नमक है स्वाद के अनुसार नमक, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है आधी चम्मच, थोड़ा सा काला नमक है, 1 चम्मच चीनी है, आधी चम्मच अमचूर पाउडर है। जार में सबसे पहले हम हरा धनिया डालेंगे, उसके बाद पुदीना डाल लेंगे, हरी मिर्च डाल लेंगे, लहसुन की कलियां और अदरक डाल लेंगे। उसके बाद कटा हुआ टमाटर डालेंगे इसमें, साथ में ही कटा हुआ प्याज डालेंगे। थोड़ा सा दबा लेंगे। उसके बाद जो मसाले रखे हुए हैं उसे डालेंगे। पहले मूंगफली के दाने डालेंगे, अमचूर पाउडर डालेंगे, चीनी डालेंगे, काला नमक डाल लेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, और नमक डाल लेंगे। उसके बाद जो नींबू था उसे काट के निचोड़ के इसमें डालेंगे उसका रस। धनिया की चटनी बहुत ही टेस्टी होती है, हम किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, रोटी या चावल। नींबू डाल लिया है, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, उसके बाद इसका ढक्कन लगा के इसे बारीक पीस लेंगे, चटनी बनाएंगे। ये चटनी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी भी होती है। चटनी पीस गई है, अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। चटनी बनके तैयार हो गई है, हमारे धनिया की चटनी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। थैंक यू।